अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है हुंडई की क्रेटा 2016 का मॉडल। ये गाड़ी तकरीबन 65,533 चली है, सिल्वर कलर है। इस गाड़ी में एसी का कंप्लेंट तो नहीं है, मतलब कूलिंग सही कर रहा है, लेकिन एसी ऑन करने पे जब ये कस्टमर विंडशील्ड पे सेट करता है मोड, तो यहाँ से फॉग निकल के यहाँ पे पूरा जम जाता है ये शील्ड पे, तो कस्टमर को ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम जाती है। तो ये फॉर्म अपन को निकालना होगी, ये पुरानी वाली, और पुरानी वाली फॉर्म निकाल के इसमें नई येलो कलर की फॉर्म जो सॉफ्ट वाली होती है वो लगानी होगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसमें फॉर्म इशू की जो फॉग इशू की जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें फॉग जमता था, वो नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये क्रेटा गाड़ी में जनरली ये जो 2016-2015 ये ओल्ड मॉडल जो है ना, क्रेटा गाड़ी में ज़्यादा ये कंप्लेंट आ रही है। तो अभी ये हम पूरा फॉर्म निकालेंगे, फॉर्म निकाल के नया फॉर्म लगा के फिर चेक करके रोड टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके, हाँ जी भाई, ये गाड़ी में ये वाली फॉर्म मैंने ये वाली फॉर्म काट के इसको इस तरीके से लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया है। इसके लिए आपको स्टीयरिंग पूरी खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये दो बोल्ट होते हैं, एक उधर 12 नंबर का, इसको खोल के नीचे थोड़ा सा लाइट नीचे कर दो बस, और ये ऊपर का खोल के बाहर निकाल दो। उसके बाद ये फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हो गई, पुरानी आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, और अभी अपन ने नई लगा दिया है। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह ताला फॉग इशू प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एसी विंडो में फॉग इशू हो रहा था, ज़्यादातर कस्टमर को नाइट में प्रॉब्लम होती है, अभी वो इंशाल्लाह ताला नहीं होगी।